अस्सलाम वालेकुम जी। नेबोश आईजी इंटरनेशनल डिनर सर्टिफिकेट के इंट्रोडक्शन के बाद आज से जो चीज़ हमने स्टार्ट करनी है बेसिकली वो एलिमेंट नंबर 1 है नेबोश आईजी 1 का। कोर्स का कंप्लीट नेम नेबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ IG-1। IG-1 यूनिट है इसका और पहला यूनिट है, IG-2 इसका दूसरा यूनिट है। पहला यूनिट मुश्तमिल होगा पहले चार एलिमेंट्स के ऊपर और दूसरा यूनिट इसी तरह मुश्तमिल होगा आखिरी सात एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट वन में का नेम है व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हर हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स की इब्तदा तकरीबन इसी बात से होती है कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी अपनी वर्कप्लेस के अंदर क्यों मैनेज करनी चाहिए। इस कोर्स का भी पहला एलिमेंट यही है, Why we should manage workplace health and safety. Learning objectives जी, learning objectives इसके अंदर ये बात हमें बतलाते हैं कि इस element के अंदर हम क्या क्या topics या क्या क्या चीजें cover करेंगे। चार चीजें इसमें मेनली कवर होंगी। नंबर वन, डिस्कस द मॉरल सोशल एंड फाइनेंशियल रीजन। नॉर्मली जो थ्री रीजंस हैं फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो डिस्कस होंगी। दूसरी चीज कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटेड फॉर्म में किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, और उसके ऊपर उसके लॉस के ऊपर अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर उसके नतायज क्या भुगतने पड़ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल को। नंबर थ्री, जो चीज हमें इसमें समझ आएगी वो हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज हैं डिफरेंट ग्रुप्स की। डिफरेंट ग्रुप्स ये वही ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और जनरल वर्कर एक्सेट्रा। नंबर फोर्थ है इसके अंदर एक्सप्लेन हाउ के कंट्रैक्टर्स को कैसे मॉनिटर और मैनेज किया जाएगा। ये थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसके अंदर मॉरल्स एंड मनी का हमारा 1.1 टॉपिक है। ये मॉरल्स एंड मनी बेसिकली थ्री रीजंस फॉर मैनेजिंग सेफली में से दो यहां पर ली गई हैं, मॉरल एंड फाइनेंशियल। लीगल रीजन इसकी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इस मॉरल और फाइनेंशियल रीजंस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना लाजमी चाहिए। इसके अंदर पहली चीज जिसकी डेफिनेशन हमारे सामने है वो है हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन किया गया एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, कि जब कोई बीमारी आपको नहीं है तो वो हेल्थ है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जो भी अच्छा रहने की हालत है उसको हम हेल्थ कहेंगे। लेकिन अच्छा रहने की हालत में किसी की भी जाहिरी हालत शामिल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, वो जवाब में कहते हैं हम फाइन, तो इसका मतलब है ही इज वेल। ऐसी सूरत में हम ये नहीं देखेंगे कि कोई बंदा मोटा है पतला है लंबा है चौड़ा, ये हेल्थ में कंसिडर नहीं होगा। तो जो उसकी स्टेट ऑफ वेल बीइंग है बेसिकली
वही हेल्थ है। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर डिफाइन इधर किया गया एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, कि जब पर्सनल इंजरी का सीरियस पर्सनल इंजरी का रिस्क जो है मौजूद नहीं होगा तो हम उसको सेफ्टी कहेंगे। और सेफ्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी सिचुएशन और कंडीशन इन विच वी हैव फ्रीडम फ्रॉम डेंजर हैजर्ड हार्म और लॉस, कि कोई भी ऐसी हालत सूरत हाल जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर इस चीज से आजादी है कि हमें कोई भी चीज कोई नुकसान ये नहीं पहुंचा सकती या हमें जख्मी नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन को सिचुएशन को हम सेफ्टी बोलेंगे। देन वी हैव वेलफेयर, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटीज एक्सेट्रा। बेसिकली वेलफेयर फैसिलिटीज आर नॉट द रिस्पॉन्स आर द थिंग्स विच आर अदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं तो वहां पर आपके साथ जो चीजें तय की जाती हैं उन चीजों में आपकी सैलरी है, आपके वर्किंग आवर्स है, आपकी अकोमोडेशन हो सकती है, आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी उस जॉब एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं लिखा जाएगा कि आपको पीने का साफ पानी दिया जाएगा या आपको वॉशिंग फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये चीजें जो अदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉयर को अट्रैक्टिव बनाती हैं अगर वो प्रोवाइड करे ऐसी चीजें, तो ये वेलफेयर में कंसिडर होंगी। ग्रुप एक्सरसाइज है, ग्रुप एक्सरसाइज को जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ग्रुप एक्सरसाइज को अपने तौर पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और परफॉर्म करने के बाद वो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए रابطہ कर सकते हैं और उसके ऊपर गाइडलाइन ले सकते हैं या मुझसे कोऑर्डिनेट उसके ऊपर कर सकते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, व्हाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसीडर हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी प्रायोरिटी, कि क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ये चीज इस चीज को खातर में नहीं लाती या इस चीज को अहमियत नहीं देती कि हेल्थ एंड सेफ्टी को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। सिंपली आप कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को वो अहमियत क्यों नहीं देती कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आगे चलते हैं, द मॉरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मॉरल रीजन के अंदर आपको कुछ स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी में आपने स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए इस्तेमाल करना है कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज ना करने की वजह से वर्क प्लेस का प्रॉब्लम कितना बड़ा हमें फेस करना पड़ता है, कि वर्क प्लेस के ऊपर कितनी इंजरीज हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितना हमारा जीडीपी लॉस हो रहा है। इन तमाम तर चीजों को सिर्फ और सिर्फ आपने समझना है। उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उनके दरमियान में आदादो शुमार का स्टैट्स का इख्तलाफ अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहता है। दूसरी बात, जिस टाइम पे ये कोर्स डेवलप किया गया उस टाइम से अब तक माइक भी इस हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर या तो बेहतरी आ गई हो या इसकी हालत बदतरीन भी हो सकती है। एनी ऑफ इसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली एक फ्रेमवर्क देती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये इस्टेब्लिश हुई और 1945 में आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इसको यूनाइटेड नेशंस का सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट तक 187 मेंबर्स हैं, जिनमें से
186 यूनाइटेड नेशंस और आईएलओ के कॉमन मेंबर्स हैं, जबकि एक कंट्री कुक्स आइलैंड एक जजीरा है, उसने आईएलओ को तो साइन किया लेकिन यूनाइटेड नेशंस को साइन नहीं किया हुआ। आगे चलते हैं इन स्टैट्स में। पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो है अवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट ईयर फेटल, जो जानलेवा साबित हुए। 2.7 मिलियन वर्क रिलेटेड फेटेलिटीज ईच ईयर, मतलब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो 27.5 लाख लोग फेटेलिटीज अमवात वाकई हो जाती है वर्क रिलेटेड, 2.4 मिलियन फेटेलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, और 24 लाख लोगों की जो अमवात होती है वो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से होती है, जैसे कैंसर वगैरह। 270 मिलियन एक्सीडेंट और 160 मिलियन डिजीजेज अ ईयर ड्यू टू वर्क, काम की वजह से 270 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं और 160 मिलियन बीमारियां वहां पर आती हैं। 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज लॉस्ट, कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन होती है उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% जाया चला जाता है इन एक्सीडेंट्स और डेथ्स में। नेक्स्ट अगेन वी हैव ग्रुप एक्सरसाइज। एन एम्प्लॉय एट योर वर्क प्लेस हैज बीन सीरियसली इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, के एक एम्प्लॉय है वो वर्क प्लेस के ऊपर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया है। इन ग्रुप्स लिस्ट द पॉसिबल इफेक्ट्स एंड इम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द इंजर्ड एम्प्लॉय कंपनी एंड लाइन मैनेजर, तो इसके क्या असरात हैं जो इम्प्लीमेंट होंगे, किन किन के ऊपर, इंजर्ड एम्प्लॉय कैसे सफर करेगा, कंपनी कैसे सफर करेगी और आपका लाइन मैनेजर कैसे सफर करेगा। अब जी नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जिसके लिए वर्ल्ड मनी यूज हुआ था वो बेसिकली फाइनेंशियल रीजन है। द फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए इसकी फाइनेंशियल रीजन क्या है। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कॉस्ट मनी, अंडरस्टूड है, और ये बात आप याद रखिएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने पे करना ही करना है। कैसे, जो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन एडवांस हेल्थ एंड सेफ्टी को पे कर देती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको अवॉइड करती हैं तो ऐसी सूरत में उन ऑर्गेनाइजेशन को कई गुना पे करना पड़ता है जवाबन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही एहतियाती तदाबीर करते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो बड़े हादसे से बच गई, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस चीज को अवॉइड किया, इससे इज्तनाब किया, तो नतीजतन किसी बड़े हादसे का शिकार हुई और उसके नतीजे में बहुत बड़े नुकसान का उनको सामना करना पड़े। अब जो कॉस्ट यहां पे हमें जिनका सामना करना पड़ता है उनके अंदर दो कॉस्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट, एट द स्पॉट हमें पता चल जाता है कि ये कॉस्ट हमें हिट कर गई है। इनडायरेक्ट कॉस्ट अराइज एज अ कंसीक्वेंस ऑफ द इवेंट बट मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व मनी, ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें नुकसान देती हैं लेकिन वो क्वांटिफाइबल नहीं होती, कि हम उनको गिन नहीं सकते, वो क्वालिटेटिव फॉर्म में हमारे सामने मौजूद होती हैं जिसकी वजह से उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और उनका अंदाजा ना लगाया जाना इससे भी ज्यादा खतरनाक हद तक नुकसानदेह है। हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर कैन अफेक्ट द ब्रॉडर इकॉनमी एज वेल एज द इंडिविजुअल कंपनीज, और ये आपकी ब्रॉडर इकॉनमी, जाहिर बात है कोई भी कंपनीज हैं वो किसी एरिया में होंगी, किसी कंट्री में होंगी, तो ओवरऑल भी इसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर आएगा। नेक्स्ट वी हैव इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। अब इसमें इंश्योर्ड कॉस्ट क्या है,
कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से हमें मिलने की उम्मीद होती है, वो इंश्योर्ड कॉस्ट है, और जिन कॉस्ट के मिलने की हमें उम्मीद नहीं है वो कॉस्ट हमारी अनइंश्योर्ड कॉस्ट होंगी। यहाँ पे हम कई दफा ये चीज देखते हैं कि इंश्योरेंस होने की वजह से हम लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इंश्योर्ड कॉस्ट उस तरह से हमें हिट नहीं करती जिस तरह अनइंश्योर्ड कॉस्ट हिट करती हैं। जिस तरह के स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसमें ये चीज बताई जा रही है कि अगर इंश्योर्ड कॉस्ट एक है तो उसकी अनइंश्योर्ड का 8 से 36 पाउंड तक हो सकती है। इंश्योर्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल में फायर, वर्कर इंजरी, डेथ, मेडिकल कॉस्ट ये आपको मिल जाएंगी। अनइंश्योर्ड कॉस्ट लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, सिक पे, ओवर टाइम, इक्विपमेंट रिपेयर्स एंड लॉस मटेरियल। देन वी हैव एंड ऑफ सेक्शन 1.1 एक्सरसाइज। ये अगर आप लोग बाकायदगी से मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप इस एक्सरसाइज को खुद करें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब इसका 1.1 जो सेक्शन था जिसमें हमारे पास मॉरल्स एंड मनी था, मतलब हमारे पास दो रीजंस थी कि व्हाई वी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, तो उन रीजन में एक मॉरल थी और एक आपकी मनी मतलब फाइनेंशियल रीजन थी। अब तीसरा रीजन है जो कि लीगल रीजन है, रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कि हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलेट कैसे करना है। लीगली आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, लीगल रीजंस क्यों है? मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। बहुत सारे ममालिक के अपने लॉज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और जब उन लॉज को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में प्रोसिक्यूशन अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ता है जिसमें फिर आपको फाइंस होते हैं, इंप्रिजनमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। अब ये उसी लीगल रीजन की कड़ी है कि कानून कहां से आते हैं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की अगर आप बात करें तो हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसके बारे में मैंने पहले बताया 1919 में ये इस्टेब्लिश हुई। एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बनी 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस डेवलप हुई। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन। अच्छा जी, ये अब क्या करेंगे? ये हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने के लिए कन्वेंशंस और रिकमेंडेशन सिफारिशात पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है कि ये डायरेक्टली आके वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट कर सके। अच्छा जी, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन क्रिएट्स बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस और पॉलिसी टू इंप्लीमेंट देयर प्रोविजंस। नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट्स इनटू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। पहली बात इसने कही कि ये बाइंड करता है, पाबंद करेगा, ऑब्लिगेशन पाबंदियां लगा के पॉलिसीज दे के आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इंप्लीमेंट वहां पे करना है। देन नो लीगल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं कर सकती जब तक के इसके तमाम तर रिकमेंडेशन कन्वेंशंस को कोई भी कंट्री अपने लॉ में शामिल करे और उसके मुताबिक अपनी ही इन्फोर्समेंट बॉडी बनाए जो उसको कंट्रोल करे। रिकमेंडेशंस प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। रिकमेंडेशंस फरशाद देगी, आपको गाइड करेगी, इसमें मावनत मुहैया करेगी कि आपने पॉलिसी कैसे बनानी है, आपका हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कानून कैसा होना चाहिए और फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कन्वेंशन जो ILO के हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम का जो कन्वेंशन है वो है C-155 जो कि 1981 में फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया ILO ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को भी। इससे पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ILO का पार्ट नहीं था,
या आईएलओ इसके ऊपर कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस नहीं करती थी। उसके अंदर क्या था, अ गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 जिससे मैंने जिक्र किया, और रिकमेंडेशन क्या दी R164, सप्लीमेंट C155 एंड गिव्स मोर गाइडेंस ऑन हाउ टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसी। कंप्लाई बोलते हैं कि आपने लॉ, इसमें अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊं, एक चीज होती है परफॉर्म, आप ये कह सकता था परफॉर्म विद इट्स पॉलिसी और परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी। परफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने, आपके जिम्मे कोई काम लगाया गया, आपने कर दिया, अब वो अच्छा है या बुरा है, पुअर परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस वो मेरिंग परफॉर्मेंस वो बात की बात है। एक चीज होती है कन्फॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड या लॉ है, इसके मुताबिक आपने परफॉर्म करना है। जब आप उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कंप्लायंस, कन्फॉर्मेंस या कन्फॉर्मिटी बोलते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो नॉन कन्फॉर्मेंस, नॉन कंप्लायंस या नॉन कन्फॉर्मिटी होगी। जिस तरह आपने, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एनसीआर जनरेट होती हैं, एनसीआर नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट्स, तो वो यही बात बताती हैं कि इस जगह पे आके आपने लॉ को ब्रेक किया है, तो ऐसी सूरत में एनसीआर जनरेट होंगी। C155 बताता है, इसका आर्टिकल नंबर 16 है, इसके बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं या जिनका ताल्लुक हमारे इस कोर्स से हो सकता है। आर्टिकल नंबर 16 ऑफ C155 आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड ऑन एम्प्लॉयर्स टू। आर्टिकल नंबर 16 क्या करता है कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर कुछ चीजों के लिए एम्प्लॉयर को वो बाउंड कर रहा है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो क्या है, वो मेनली उसने तीन मेन हिस्सों में उनको डिवाइड कर दिया। इंश्योर दैट वर्क प्लेसेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ, के एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्क प्लेसेस मशीनरी इक्विपमेंट या वर्क प्रोसेसेस जो वर्कर को मुहैया करे वो महफूज हो और उनकी वजह से वर्कर की हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। उसके अलावा वो इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह का एजेट, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी सब्सटेंस एजेंट जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो वो उसके इस्तेमाल में प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वर्कर्स के लिए ले। तीसरी चीज, मुनासिब माकूल किस्म की प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग देगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देगा, ताकि किसी भी हादसे के सूरत में उसके मुखालिफ या उसके बदतरीन असरात से बचा जा सके। नेक्स्ट जी, इसी को सामने रखते हुए हमारे सामने चार चीजें आई कि एक एम्प्लॉयर किन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, वो तो अंडरस्टूड बात है, बट मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एम्प्लॉयर, क्योंकि उसको एम्प्लॉयर हायर करने का भी इख्तियार, उसको रिसोर्स अरेंज करने का भी इख्तियार, तो ऐसी सूरत में किसी कुछ भी करने के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो एम्प्लॉयर के साथ ही रहती है। एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ प्लेस ऑफ वर्क, अब चार बातें, सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, चार चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एम्प्लॉयर। अब वो ऑब्लिगेशंस थी जो आर्टिकल नंबर 16 में डिफाइन है, अब आर्टिकल नंबर 10 ऑफ R164 इसको मजीद डेप्थ दे रहा है, मजीद एक एक चीज को इलेबोरेट कर रहा है, वजाहत दे रहा है कि आर्टिकल 16 में जो कुछ कहा गया उस आर्टिकल 10 के तहत क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी।
provide and maintain workplaces, machinery and equipment and use working methods that are safe. जिसने पहले बताया कि वो मुहैया भी करेगा और उनको उस हालत में भी रखेगा कि वो काम के काबिल रहें. क्या क्या चीजें? वर्क प्लेसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट और एंड यूज वर्किंग मेथड डाटा सेव. उसके बाद गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जो कि चौथा पार्ट था अभी जो हमने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी देखी है. इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रेलिवेंट टू एक्टिविटीज एंड साइज ऑफ अंडरटेकिंग. प्रोवाइड पीपीई एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्ज वर्कर्स. हाँ, जो भी पीपीई वगैरह देगा उसके लिए उससे पैसे नहीं लेगा बल्कि वो खुद से मुहैया करने का पाबंद है. इंश्योर डेट वर्क ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली वर्किंग आवर्स रेस्ट ब्रेक्स डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. के जो काम करने के टाइम चुने गए हैं या जितने घंटे जो ड्यूरेशन चुनी गई है और रेस्ट ब्रेक, वो ऐसी तो नहीं कि जिससे उसके ऊपर असरात बुरे पड़ रहे हैं. टेक रीजनेबली प्रैक्टिकल मेजर्स विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फिटीग. के इस तरह की अप्रोच डेवलप करेगा, इस तरह के स्टेप्स वो लेगा कि बहुत ज्यादा जिस्मानी या जहनी थकावट से वो वर्कर को दूर रखेगा, ऐसी चीजों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा कि जिससे वर्कर के ऊपर फिजिकली या मेंटल प्रेशर आएगा. कीप अप टू डेट विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द अबव. जी अच्छा जी, अब वो एम्प्लॉयर को तो उसने बड़ी बातें बता दी कि उसके ऊपर उसने जिम्मेदारियां भी आयद की, उसको पाबंद भी करता रहा, उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया. अब ऐसी सूरत में वर्कर को भी आजाद नहीं छोड़ा गया, जनरल वर्कर को भी आजाद नहीं छोड़ा गया कि एम्प्लॉयर एक सिस्टम मैनेज करे, एक मैनेजमेंट सिस्टम दे और उसके जवाब में जो आपका वर्कर है वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म ना करे या वो उसके अंदर उस तरह से इंटरेस्ट ना ले जिस तरह से उसे इंटरेस्ट लेना चाहिए. वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स में पहले आर्टिकल नंबर 19 आ गया. 10 और 16 एम्प्लॉयर के ऊपर, आर्टिकल नंबर 19 वर्कर के ऊपर. ऑफ C-155 आल्सो प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन वर्कर्स एक्सपेंडेड इन R-164 एज फॉलो. क्या कहता है कि वर्कर किस बातों के लिए पाबंद है? टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड डेट ऑफ अदर पीपल. अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखे. कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर. जो हदायत या तरीकेकार सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाया गया उसके मुताबिक अमल दरामद करे. यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली. तमाम तर सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रॉपरली जिस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए उसी तरह इस्तेमाल करे. रिपोर्ट एनी सिचुएशन डेट दे बिलीव कुड बी हैजर्ड एंड विच दे कैन नॉट देमसेल्फ करेक्ट. अंडरस्टूड बात है जी. जब वो समझते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इसमें उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफी नहीं है, तो वो अपने से ऊपर सुपरवाइजर को या मैनेजर को इन्फॉर्म करने के लिए पाबंद है. रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ. ये जो रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट इल हेल्थ है, ये बाय लॉ अगर आप बात करें तो इसके लिए पाबंद किया गया है. रीड और एक रेगुलेशन है जिसको पुराना जाना जाता है रिड और 1995, और उसका अपडेटेड वर्जन आया है रिड और 2013. रिड और 1995 में क्या था? रिड और स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस डेंजरस अक्रंसेस रेगुलेशन 1995, जिसके तहत आपकी वर्क प्लेस के अंदर होने वाली किसी भी तरह की छोटे से छोटा भी अगर कोई वाकया होता है जिसके नतीजे तन कोई नुकसान नहीं भी हुआ जैसे कि नियर मिस, तो ऐसी सूरत में भी आपने वो रिपोर्ट करना है. देन मजीद उसकी डेप्थ में गया. आर्टिकल 19 ऑफ C-155 स्टेट्स दैट एवरी वर्कर मस्ट बी लाजमी क्या करेगा जी? गिवन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन
द एम्प्लॉयर हैज टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ। भाई उसको पीछे उसको पाबंद किया गया, अब उसके हकूक भी हैं। हकूक क्या बता रहे हैं कि भाई उसको आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने क्या एक्शन किए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। गिवन द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ, जितनी भी ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू देयर वर्क। इस बुक के अंदर अगले एलिमेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 12 एंड 20 बाउंड करता है एम्प्लॉयर को कि वो किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मैटर में कोऑर्डिनेट करे, इन्फॉर्म करे, कम्युनिकेट करे एम्प्लॉयर को। गिवन द राइट टू लीव अ वर्क प्लेस दैट ही हैज रीजन टू थिंक प्रेजेंट एन इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ और हेल्थ एंड नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न अंटिल इट इज सेफ। उसको इस चीज का इख्तियार दिया गया है कि अगर वो समझता है कि काम करने की कंडीशन सही नहीं है, यहाँ पे कोई भी फौरी या अचानक खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में वो वर्क प्लेस छोड़ दे। कब तक छोड़ दे? जब तक उसको उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, जब तक कि वो वर्क प्लेस आपकी वापस सेफ नहीं हो जाती। अच्छा जी, अब बात आ गई, हमने राइट्स पढ़े वर्कर के, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी वर्कर की, हमने ऑब्लिगेशंस पढ़ी इंप्लायर की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी इंप्लायर की। इन सब बातों के बावजूद होता क्या है, इंप्लायर या एम्प्लॉय में से कोई रूल को फॉलो नहीं करता, तो ऐसी सूरत में इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना किरदार अदा करेंगी। नो हार्मोनाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड, हर मुल्क ने अपना अपना बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा निज़ाम राइज नहीं है जिसको हम सामने रखते हुए ऐसा कुछ करें कि जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक ही सजा और जजा का अमल हो। कंट्री स्पेसिफिक एजेंसीज में इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी, फायर अथॉरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, मतलब हर कोई अपने तौर तरीके से उसको इन्वॉल्व करेगा। पुलिस में भी इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंट्रीज। अब पुलिस को भी कई जगहों पे इख्तियार दिया जाता है कि जब ऐसा कोई हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कोई मामला होगा, जिस तरह हमारे यहाँ भी है, फायर की सूरत में जो भी है हेल्थ एंड सेफ्टी, ऐसे जो इन्फोर्समेंट एक्शन लेती है वो आपकी पुलिस लेती है। जबकि यूके के अंदर इस तरह की चीजों के लिए उनकी जो बॉडी है वो है HSE, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस मैंने आपको पहले बताया, कंफॉर्मेंस, कंप्लायंस, कंप्लाय, मैंने आपको पहले बताया कि लॉ और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म करना है। जब नॉन कंप्लायंस करेंगे, आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, तो उसके फिर आपको कंसिक्वेंसेस, नतायज, एक सीरीज, आपको एक सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स फेस करना पड़ सकता है। ब्रीच, आप ब्रीच बोलते हैं कानून शिकनी करने को। ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजली अ क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग टू क्रिमिनल ऑफेंस, मुजरमाना फेल होगा आपका जी। इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट एक्शन में क्या होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या प्रोबिशन या किसी चीज से आपको रोक दिया जाए, और प्रोसिक्यूशन की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइंड, इंडिविजुअल्स में भी फाइंड और इम्प्रिजनमेंट। प्रोसिक्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन फाइन होगी, कई दफा बैन हो जाती है, ब्लैकलिस्ट हो जाती है, कई दफा ऑर्गेनाइजेशन के नहीं था तो इंडिविजुअल्स टॉप मैनेजमेंट में से या वर्कर्स में से गिल्टी पाया गया तो उसको फाइन होगा, और कई दफा इम्प्रिजनमेंट, कैद का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी तक जो हम चीज हमने डिस्कस की वो हमने इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया। इसके अंदर अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स समझने से पहले मैं एक चीज आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं, वो चीज ये है कि स्टैंडर्ड और लॉ में बहुत फर्क है। लॉ ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। हाउ? आप किसी टेरिटरी के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरसीज, जब आप लोग काम करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जैसे ही
उस कंट्री की रेंज में आते हैं तो आपके ऊपर उस कंट्री का लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है, आप चाहें या ना चाहें इंप्लीमेंट हो जाता है। जबकि स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड जब तक आप खुद अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आप स्टैंडर्ड के पाबंद नहीं है। मतलब कि लॉ आप चाहें या ना चाहें आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड एक गुड मैनेजमेंट है और ये जब तक आप खुद अचीव नहीं करेंगे आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO के नाम से आप जानते होंगे। बहुत बहुत बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखा भी होता है ISO 9001 सर्टिफाइड, 14001 सर्टिफाइड एक्सेट्रा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलपर है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के, और इम्प्लीमेंटर ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही होती हैं, और थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट्स और इस तरह की सर्टिफिकेशन सर्विसेज अरेंज की जाती हैं किसी को भी सर्टिफाइड करने के लिए, क्योंकि ISO डायरेक्टली किसी को भी सर्टिफाइड नहीं करता। ISO के 21,000 प्लस स्टैंडर्ड हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं या जिनसे हमें नवा होनी चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14,001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 12,001 अंडर सेफ्टी ऑफ मशीनरी। दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ, दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दे लीड टू अ वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच टू गुड मैनेजमेंट। आपकी एक अप्रोच है, एक कोशिश है कि आपने किस तरह से चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। ISO में हमारा 9001 और 14001 काम क्या है, और टेक्निकली जो हमारे काम का स्टैंडर्ड है वो है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पुराना स्टैंडर्ड हुआ होता था, कन्वर्ट हुआ है ISO 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज से। अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी का नया स्टैंडर्ड है जी। नेक्स्ट, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। UK के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, OSHA, USA, यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यूरोप, एंड वर्क सेफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ये ग्रुप एक्सरसाइज दोबारा आ गई। एन एम्प्लॉय हैज बीन इंजर्ड एट वर्क, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट के। जो एक्सरसाइज ये है कि एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया वर्क प्लेस के ऊपर, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और एक्सीडेंट की इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम इस ग्रुप एक्सरसाइज से आगे। ग्रुप एक्सरसाइज के हवाले से जिस मैंने आपसे पहले बात की हुई है, इसी तरह आपने अगर परफॉर्म करके देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड ऑफ द मॉड्यूल आ गया 1.2 का एक्सरसाइज है, जिस तरह 1.1 के एंड पे थी। अब 1.2 एक्सरसाइज में फोर क्वेश्चंस का रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन स्टैंडर्ड्स दैट द ILO हैज प्रोड्यूस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट डू कंट्रीज डू विद दीज स्टैंडर्ड्स। ILO ने क्या किया कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन के हवाले से, आप इसके लिखेंगे। व्हाट आर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर R164, व्हाट आर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर R164। एम्प्लॉयर्स के ऊपर जी आर्टिकल नंबर 10 एंड 16, एम्प्लॉय के ऊपर आर्टिकल नंबर 19, और उसके तहत जो चीजें हमने पढ़ी हैं। व्हाट एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, ये कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस की बात कर रहा है। बेहतर ये होगा कि इन क्वेश्चन को आप इसी वीडियो से अपने पास लिख लीजिए और अपने तौर पर इनके आंसर देने की कोशिश करें। अच्छा, अभी तक ये आपके सिर्फ और सिर्फ साथ साथ एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पेपर सॉल्विंग टेक्निक, पेपर पैटर्न, ये बातें कोर्स के लास्ट में आपसे डिस्कस की जाएंगी। नाउ वी हैव 1.3,
हु डज वॉट इन ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम जो चीज कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर अंजाम देगा, मतलब किस बंदे की क्या जिम्मेदारियां होंगी। सबसे पहले एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, क्योंकि एम्प्लॉयर पे कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिन पे कुछ बातों में तजाद सा जाहिर होता है कि इंडिविजुअल कैसे कर सकता है। तो बेसिकली एम्प्लॉयर एक पर्सन नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, टेक्निकली एम्प्लॉयर एक कॉरपोरेट बॉडी भी हो सकती है। द एम्प्लॉयर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन डेट एम्प्लॉयज पीपल। द एम्प्लॉयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉर्मली एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंपनी एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द कॉर्पोरेट बॉडी। दे आर अ लीगल पर्सन, जिस तरह मैंने आपको बताया। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 16 और 19 के तहत, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे चीजों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द वर्क प्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क रेस्ट विद द एम्प्लॉयर। रेस्ट विद द एम्प्लॉयर के कुछ भी कर लें, आपका एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल है हर तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी का। एज वी नोटेड अर्लियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेड क्लियर इन ILO कन्वेंशन C155, ILO रिकमेंडेशन R164, जो बड़ी डिटेल में हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। देन वी हैव द एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर कैरीज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द वर्क प्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। अगेन उसी पे जिम्मेदारी है, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड अदर एग्जाम्पल विजिटर एंड कंट्रेक्टर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एम्प्लॉयर के बाद जो उसकी हायरार्की में नीचे लोग आते हैं वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स मिलके टॉप मैनेजमेंट बनते हैं। इनकी क्या जिम्मेदारी है? गिव एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स डायरेक्शन। इनका काम बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन दें कि किस डायरेक्शन में हम बेहतर तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। सेट इट्स प्रायोरिटीज, एलोकेट रिसोर्सेज एंड अपॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन। ये वसाइल मुहैया करेंगे और कॉम्पिटेंट पर्सन को जॉब्स के ऊपर अपॉइंट करेंगे। एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखना ऑर्गेनाइजेशन का इसी टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स कैन हैव इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रायोरिटीज। इनॉर्मस इन्फ्लुएंस, बड़े पैमाने पर उनका असर होता है। उसकी वजह भी है क्योंकि वो चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर वो कमिटेड हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की जाने तो ये एक पॉजिटिव कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर वही लोग इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो ऐसी सूरत में आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसकी हालत इज़ार अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव द वे दे आर परसीव बाय दोज लोअर इन द मैनेजमेंट हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे मस्ट डिमोन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनसे उनके नीचे वाले सीखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट के उन्होंने प्रैक्टिकली सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कमिटमेंट और लीडरशिप शो करनी है कि वो लोग इस चीज को अहमियत दे रहे हैं। किस चीज को? हेल्थ एंड सेफ्टी को। आगे जी हमारे पास आगे मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद इन द ऑपरेशंस अंडर देयर कंट्रोल। मिडिल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स क्या काम करते हैं? बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलके पॉलिसीज बना देते हैं, प्रोसीजर्स बना देते हैं, उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने के लिए मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर्स काम करते हैं। अच्छा जी, अब तक हमने इसके अंदर तीन
आर्टिकल्स डिस्कस किए, आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 16 आईएलओ का, और आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 10 16 एम्प्लॉयर के ऊपर था, आर्टिकल नंबर 19 एम्प्लॉय के ऊपर था। अब आर्टिकल नंबर 17 का आया है और ये टॉपिक है द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रीमिसेस, के एक एरिया में एक से ज्यादा लोग जब मिल के रह रहे हों या काम कर रहे हों, किसी भी वजह से इकट्ठे हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी वो शेयर्ड होंगी, मतलब मुश्तरका होंगी। आईएलओ कन्वेंशन C155 आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आईएलओ रिकमेंडेशन R164, रिकमेंडेशन 11, आर्टिकल 17 एंड रिकमेंडेशन 11, अब वो इन शेयर्ड प्रीमिसेस वालों को क्या बात बताना चाह रहा है कि या किस बात की जानिब ले जाना चाह रहा है। एम्प्लॉयर्स इन शेयर्ड फैसिलिटीज शुड कम्युनिकेट टू डेवलप अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, के ऐसे एम्प्लॉयर जो शेयर्ड फैसिलिटीज में मुश्तरका जगहों पे मौजूद हैं, उनको फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड और मुनासिब तौर पर पॉलिसीज और प्रोसीजर वजह करने चाहिए और मरतब करने चाहिए। दिस में इंक्लूड, इसमें शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर, फायर एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि उसमें उन सारों ने कैसे इवैक्यूएट करना है, शेयरिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि वो रिस्क असेसमेंट में एक दूसरे का भी ख्याल रखें, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग, और वो फिर मिलजुल के कमेटी मीटिंग्स करेंगे ताकि उन सब का जो लाए अमल हो वो एक हो। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर, इफ अ क्लाइंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंजरी caused by a contractor working for the client, then it must be in the client's own best interest to ensure that contractors do not endanger workers or other. जिस हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हर चीज की आखिरकार responsibility एक employer ही है, health and safety की किसी भी तरह की responsibility या responsible जो है वो employer ही है, तो ऐसी सूरत में बजाय कि कंट्रैक्टर के कुछ ऐसे इकदामात जिनकी वजह से आप को बीइंग एम्प्लॉयर नुकसान पहुंच सकता है, तो बेहतर ही इसी में है कि आप क्लाइंट को इस तरह से मैनेज करें कि वो कम से कम एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। अब एक क्लाइंट और एक कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट जो किसी को हायर करता है किस मकसद के लिए, काम के लिए, पैसों के बस, वो क्लाइंट है, और जो अपनी सर्विसेज सेल करता है और उसके रिवार्ड में, उसके रिगार्ड में अर्निंग्स लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। अब यहां पे शेयर ड्यूटीज हैं, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक ही प्रेमिसेस को कई दफा शेयर कर रहे होते हैं। द वे डेट अ क्लाइंट मैनेजेस कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 की एरियाज। क्लाइंट कैसे मैनेज करेगा, तो हम 3 एरियाज में उसको डिवाइड कर देते हैं। द वे that a client manages contractor can be broken down into 3 key areas: selection of contractors, planning and coordinating the work, monitoring and managing the work. पहले selection of contractor, कि जब contractor को select किया जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको उसी लम्हे जांच लिया जाए, ताकि contractor select करते हुए इब्तदाई तौर पर ही कोई गलती रोनमा ना हो जाए। Things you should check, क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उससे मांगेंगे, रिस्क असेसमेंट उससे लेंगे, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगेंगे कि उसने अपने वर्कर को कितना अप टू डेट रखा हुआ है,
मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह जिस तरह आपके हमारे यहाँ पीईसी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, कि जब तक वो अलाउ नहीं करेगी तो आप कोई भी इंजीनियरिंग एक्टिविटी टेक्निकली परफॉर्म करने के लिए अहल नहीं है। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाहिर बात है कंट्रेक्टर है तो वो पास में काम करता रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ऐसे सूरत में उसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सीडेंट्स पेश आए वो उसका रिकॉर्ड देगा। इन्फोर्समेंट एक्शन उसके अगेंस्ट क्या हुआ अगर कभी हुआ तो, और एडिक्वेट रिसोर्सेज उसके पास क्या होंगे कि वो किस तरह से काम को परफॉर्म करेगा। आगे बढ़ने से पहले, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क से पहले एक स्टेटमेंट यूज होती है, वर्क मेथड स्टेटमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंट्रैक्टर अपने क्लाइंट को देता है कि हाउ ही विल परफॉर्म हिज टास्क और हिज प्रोजेक्ट सेफली, उसको वर्क मेथड स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे वी हैव दी इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड कंट्रैक्टर। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की स्टेज के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर होगी, किसके दरमियान, क्लाइंट और कंट्रैक्टर के दरमियान, क्योंकि वो प्रेमिसेस को शेयर कर रहे हैं। हैजर्ड्स पोज्ड बाय द साइड एंड वर्क कैरिड आउट, हैजर्ड पोज्ड बाय द कंट्रैक्टर्स एक्टिविटी, रिस्क असेसमेंट्स एंड मेथड स्टेटमेंट्स। देन वी हैव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन में अरेंजमेंट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड कंट्रैक्टर इंक्लूड। अरेंजमेंट्स में क्या है कि अगर कंट्रैक्टर ने वो जॉब परफॉर्म करने का बोला है तो 100% ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए क्लाइंट भी अरेंजमेंट करेगा और कंट्रैक्टर भी अरेंजमेंट करेगा। इंश्योरिंग एक्टिविटीज डोंट कंफ्लिक्ट, पहली बात वो ये देखेंगे कि एक्टिविटीज के अंदर कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। परमट वर्क सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटी, परमट वर्क सिस्टम पीटीडब्ल्यू, पीटीडब्ल्यू के बारे में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में आने वाले एलिमेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पूरा इसका टॉपिक है। देन स्टेज थ्री, पहली क्या पढ़ी हमने, सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर, दूसरी पढ़ी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क। अब तीसरी स्टेज क्या है जी, या तीसरा सेक्शन क्या है जो एम्प्लॉयर्स ने डिसाइड किया था कि कंट्रैक्टर के लिए, तीसरा है जी मॉनिटर एंड मैनेजिंग द वर्क। क्लाइंट मस्ट, क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए, मॉनिटर द वर्क टू इंश्योर सेफ्टी, काम को बार बार देखते रहें ताकि ये मेक श्योर करें कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मलूजे खातिर रखे हुए काम को तरतीब दिया जा रहा है या परफॉर्म किया जा रहा है। द क्लाइंट कैन स्टॉप द वर्क इफ इट इन्वॉल्व अनसेफ प्रैक्टिस, और काम को रोक दे अगर वो ये समझता है कि काम को गैर महफूज तरीके से सर अंजाम दिया जा रहा है। ऑडिटिंग अगेंस्ट एग्रीड मेथड स्टेटमेंट इज अ गुड टेक्निक, अगेन ऑडिटिंग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एलिमेंट्स के अंदर हम इसके अंदर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट जी एक्सरसाइज आ गई, एंड ऑफ मॉड्यूल 1.3 एक्सरसाइज, जिस तरह 1.1 की एक्सरसाइज आई थी जहां पे उसने रीजंस का पूछा था और से प्लेस ऑफ वर्क, से प्लांट ऑफ इक्विपमेंट की वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछी थी, देन एक्सरसाइज 1.2 पे आया था, और अब एक्सरसाइज 1.2 में उसने कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस पूछे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कर की पूछी थी, इसी तरह एंड ऑफ मॉड्यूल में 1.3 की एक्सरसाइज पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, टू वूम डज एन एम्प्लॉयर ओ अ ड्यूटी विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, हाउ कैन डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट आर द की वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट वुड यू लुक फॉर चेक व्हेन सिलेक्टिंग अ कंट्रैक्टर। इन तीनों एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म करते हैं, लेक्चर को प्रॉपरली सुनने के बाद खुद परफॉर्म करते हैं, खुद करते हैं, तो इससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बेहतर होगी। आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद इन कोर्सेज में एडमिशंस लें या आप इन सर्टिफिकेशंस को गेन करें। इन क्वालिफिकेशन इस इन तमाम तर लेक्चर्स को, इन तमाम तर क्वालिफिकेशंस के लेक्चर्स को रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जाए कि
कि जो लोग कोर्स नहीं कर सकते, नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्हें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करें। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने एंड तक सिर्फ रखने का फायदा नहीं। फायदा कैसे नहीं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ मैं इसी तरह लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, आप सुन के छोड़ देंगे, तो चीजें आपको भूलना शुरू हो जाएंगी। जब तक कि आप एफर्ट नहीं करेंगे अपने तौर पे, अगर आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को ही करते रहें, तो आप बहुत कुछ गेन कर लेंगे और आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। एलिमेंट वन हमने पूरे का पूरा डिस्कस किया है न्यू निबोश सिलेबस के तहत, जिसका नाम है निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2019, यूनिट वन, आईडी वन, और उसका हमने एलिमेंट नंबर वन जो है वो पूरे का पूरा डिस्कस किया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कनेक्टेड रहें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही न्यू लेक्चर रिकॉर्ड होके अपलोड होगा, तो आपको फौरन से उसका रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर आने की सूरत में आप अपनी लर्निंग को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।